सीतापुर के थाना हरगांव इलाके से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि जब से उसने कर्ज लिया है, बैंक में उसके द्वारा उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, तब से उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, इस कारण से उसकी मौत हुई है। गंभीर आरोप लगे हैं। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर, हम सीधे चलते हैं आइडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी जी के पास। तो अनूप जी बताए, क्या पूरी जानकारी है? जी अरुणेश जी, आपको बता दें कि ये हरगांव की बैंक ऑफ इंडिया शाखा का मामला है। आपको बता दें कि ये हरगांव बैंक ऑफ इंडिया जो है कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में है और मीडिया और सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में इनके कारनामे जो है जग जाहिर हो चुके हैं। इसका कारण ये है अरुणेश जी, आपको बताएं कि इन्होंने ग्राहकों के साथ बहुत घाल मेल किया है, कई तरीके के फ्रॉड किए हैं। इस फ्रॉड के चलते और घाल मेल के चलते आपको बता दें कि यहाँ के जो मौजूदा मैनेजर थे देवेश तिवारी, उनको निलंबित किया जा चुका है और बैंक ऑफ इंडिया जो है वो खुद जांच करा रहा है। आपको बताएं कि 3 दर्जन से अधिक प्रार्थना पत्र थाने में दिए जा चुके हैं। जो ग्राहकों के साथ घाल मेल हुआ है, उनके साथ जो है फ्रॉड हुआ है, आपको बताएं कि जिन ग्राहकों के साथ फ्रॉड हुआ है उनको उनका केसीसी के नाम पर, मुद्रा लोन के नाम पर, अन्य लोनों के नाम पर उनके साथ फ्रॉड किया गया है। उन्होंने रकम कुछ निकलवाई, रकम कुछ मांगी बैंक से और अत्याधिक रकम निकाल ली गई, जिससे वो लोग अब परेशान हैं, क्योंकि जो नए मैनेजर आए हैं वो लोगों के यहाँ नोटिस भेज रहे हैं। नोटिस की वजह से जो है काफ़ी लोग परेशान हैं। आपको अरुणेश जी बता दें कि ये मामला जो है हरगांव थाना क्षेत्र के मूड़ी खेरा गांव का है, जहाँ पर वहाँ के छोटे किसान, लघु किसान नीरज शुक्ला, उम्र 45 वर्ष, पुत्र परशुराम की हार्ट अटैक से जो है मौत हो गई है, जिसमें परिजनों का कहना है, जो उनकी पत्नी है, उनका जो भतीजा है, साथ ही अन्य परिजनों का ये कहना है कि नीरज ने जो है बैंक से ग्रीन कार्ड बनवाया था, जिसकी कर्ज राशि में हेरा फेरी करते हुए बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राशि बढ़ा दी थी, और जो राशि बढ़ा दी थी जब उसकी नोटिस मृतक को प्राप्त हुई, इसके बाद बढ़ी राशि को देख कर नीरज के होश उड़ गए और आपको बताएं उसी को लेकर मृतक 1-2 दिन से परेशान था, फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है और जब तक परिजन उसको सीतापुर ले जाते हैं तो अस्पताल के बाहर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। परिजनों का ये कहना है, उनकी पत्नी का और भतीजे का ये कहना है कि हार्ट अटैक से जो है उनकी मृत्यु हुई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मृतक के पास केवल 4 बीघे जमीन है। पारिवारिक बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि परिवार जो है वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, क्योंकि ग्रामवासियों ने बताया कि एक छप्पर और झिल्ली के नीचे लोग रह रहे थे। अभी प्रधान ने इनको जो है आवास दिया था तो वो आवास बनवाए थे और आवास बनवाने के बाद उसमें रहने लगे थे और उनके ऊपर इतनी बड़ी जो है ये बैंक की रिकवरी या नोटिस आ गई, इसकी वजह से घटना हो गई, ये परिजनों का कहना है। साथ ही आपको अरुणेश जी ये भी बता दें कि नीरज के जो है बहुत छोटे छोटे जो है 3 बच्चे हैं, 1 11 वर्ष का, 1 4 वर्ष का, 1 1 वर्ष का, और परिवार की हालत जो है काफ़ी दयनीय है और परिवार जो है वो पूरा आरोप लगा रहा है मैनेजर देवेश तिवारी के ऊपर, और जो वही उसी गांव के रहने वाला जो सुधांशु शुक्ला है, जो यहाँ पर उसमें आउटसोर्सिंग पे कार्य करता था, उनके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं और बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं ये लोग कि उसी के कारण जब से नोटिस आई ये परेशान थे और उसी से इनकी हार्ट अटैक हुआ है, उसी से इनकी मृत्यु हुई। अनूप जी, जानकारी चाहेंगे, क्या इस मामले में आपकी पुलिस अधिकारियों से या बैंक के अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है? बैंक के अधिकारियों से तो नहीं बात हो पाई है, थाना अध्यक्ष अरविंद पांडे से बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि अभी तक प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन जैसे ही प्रकरण संज्ञान में आता है तो उस पर जो है नियमानुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अरुणेश जी आपको ये भी बता दें कि चूंकि ये मामला काफ़ी चर्चित हो गया है, क्योंकि लगभग 3 से 4 दर्जन से लोग जो है बैंक के ठगी के इन अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा शिकार हो गए हैं, तो इसको देखते हुए आपको बताएं कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, उन्होंने प्रदेश के वित्त मंत्री को जो है पत्र लिखा है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई व पीड़ितों के साथ न्याय करने के लिए कहा है। साथ ही आप ये भी बता दें, जो किसान नेता शिव प्रकाश सिंह हैं,
जो किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो भी इस मामले को देख रहे हैं। और कल शायद उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि कल हम जो है जिलाधिकारी से इस संबंध में मिलेंगे। बिल्कुल, तो ये एक दुखद मामला है और गंभीर मामला भी है। बताया जाता है कि एक कर धारक जिसका नाम नीरज शुक्ला बताया जा रहा है, 45 वर्ष उसकी उम्र है और उसके तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, एक की उम्र 11 वर्ष है, एक की वर्ष 4 है और एक की 1 वर्ष है, और इसकी पत्नी एक पीएम आवास के तहत जो झोपड़ी में मतलब आवास मिलता है उसमें रहने वाला ये परिवार है। बताया जाता है गांव के ही एक सुधांशु शुक्ला के और देवेश तिवारी जो बैंक मैनेजर तत्कालीन थे बैंक ऑफ इंडिया के, उन पर परिजन आरोप लगा रहे हैं। और इसके अलावा कैशियर राहुल रत्तोगी व शुभम को घटना का जिम्मेदार मान रहे हैं। काफी गंभीर आरोप हैं। और आपको बता दें इससे पहले भी बैंक शाखा द्वारा गड़बड़ी की शिकायतें काफी मिल रही थी, थाना पुलिस को भी मिल रही थी, स्थानीय विधायक को भी मिल रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने सूबे के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना उनको पत्र लिखा है और जो है जांच की और जो है कार्रवाई करने की मांग की है। और स्थानीय जो नेता हैं शिवप्रकाश सिंह किसान मंच से जुड़े हुए, उन्होंने भी इस मुद्दे को जो है संज्ञान में लिया है और जो है सरकार से मांग की है कि न्याय मिले पीड़ितों को। तो ये गंभीर मामला है और मामले में पुलिस को अभी इस मामले की जानकारी नहीं हो पाई है। थाना प्रभारी जो है वहाँ पर हर गांव में उनका कहना है कि मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और जैसे ही जानकारी हो पाएगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आपको बता दें मामले में जो है पीड़ित के जो परिजन हैं उनका क्या कुछ कहना है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाएंगे। आपके भाई के साथ हार्ट अटैक हो गया। क्यों हो गया हार्ट अटैक, कैसे हो गया? अब कैसे वो जमीन के वो कर्ज ग्रीन क्या रहा है तो के पहले बुखार आवा तो दवाई ववाई लाए, उसके बाद कल ज्यादा बीमार हुई गए तब गए रास्ते हार्ट अटैक हो गया। उसे खाना पीना कुछ नहीं खा रहा है। कोई नोटिस आई थी? नोटिस आई थी। कौन से बैंक से? ऑफ इंडिया। अच्छा, तो इलाज कराया आपने? इलाज रास्ते में हार्ट अटैक हो गया तो इलाज जा रहे थे मेहंदीपुरवा के आगे कमरे। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद सनाप सनासर दी। आप कौन है मृतक के? भाई हैं। क्या हुआ आपके पति के साथ? कर्जा निखरवा ले 1,00,000 किया रहा और 90,000 रुपया निखरवा ले ना निखरवा ली नहीं हम वो जौन होते हैं भाई सुधांशु शुक्ला और जौन मैनेजर मगर है तो हमने निखरवा ली खाता पर 1 रुपया ना है नोटिस दुनिया ही रहे। कितना रुपया निकल लिया? कितना रुपया? 60,000। 1,50,000 रुपए लोन बन गया। अच्छा अच्छा, कौन सी बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया। तो जब से नोटिस आई थी तब से परेशान? जमा कर आए 2,700 रुपया जमा कर आए किस्त है। अच्छा, नहीं ये बताया जब नोटिस आई तभी से परेशान थे? हाँ, तब बहुत परेशान वह दिन से परेशान हुई ये है वह सुनकर नोटिस अब परेशान हुई है तब से बुखार और खाना कुछ नहीं खाए पी रहे वह हम जान चला गया है। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं शासन से, प्रशासन से क्या चाहती हैं? हमको इंसाफ चाहिए। हमारे छोटे छोटे भाई बहन है, बताओ उनको कैसे पालेंगे? बताओ इनके, बताओ ये कहाँ से पैसे लाएंगे? बताओ दो दो लड़कियाँ एक साल की नहीं हुई बच्चा है, बताओ 5 साल का बच्चा छोटा 4 साल का अभी जानता नहीं हमारे पापा कैसे हैं, बताओ। नोटिस आई रहा 1,50,000 की और 1,00,000 का लोन लेना है। ये बधे दिन से इनके बहुत परेशान हो लग, बैंक 2-3 चक्कर गए, डेली जात रहे हैं तो इनसे बैंक का स्टेटमेंट निकलवाई जिम्मा पैसा गवा रहा है तो उम्र लेन देन बराबर और दूसरा निकलवाई वही मैं 1,50,000 कर, मगर ये कहा रहा है हम 1,00,000 लिया है और दिन नोटिस का बैंक मैनेजर नहीं मिला ना फील्ड ऑफिसर मिले रहा है वो स्टेटमेंट कर्जा वाले कर दिन है अकाउंट। ये बताओ आप जरा कि कर्जा 1,00,000 रुपए का लिया था? कर्जा 1,00,000 रुपए का था, इनको बताया नहीं गया, इनके अकाउंट में 1,50,000 रुपए का लेन देन कर दिया और ये बैंक भी नहीं गए, पैसा भी निकल गया इनका। कौन सी बैंक? बैंक ऑफ इंडिया हर गाँव। अच्छा, तो ये 50,000 रुपए जो एक्स्ट्रा जो है जो इनके ऊपर आ गया ये किसने किया, क्या कुछ मालूम? इसका हमको नहीं मालूम किसने किया है, मगर ये लोन बनवाया जब से नोटिस आई तब से हमारे चाचा भी था। अच्छा, टेंशन में आ गए चाचा, कह रहे थे हमने जब लिया है हम कहाँ देंगे इनको।
वैसे भी चाचा बड़ी मुश्किल से घर बनवा पाए, आवाज आया था तो बहुत गरीब, अभी तक चप्पल नीचे रहे थे। तो ये जो है क्या हुआ था, कैसे बीमार हुए? ये नोटिस बैंक से आया था, उसी दिन से ये परेशान थे कि हमने 1 लाख कर्जा लिया, ये 1.5 लाख कहाँ से हो गया। तो डॉक्टरों ने क्या बताया, कैसे इनकी मृत्यु हुई? इसका इसका नहीं पता हमको, हम लखनऊ में रहे, कोई बीमारी थी कि कुछ? कोई बीमारी नहीं चाचा हमारे, हम यहाँ बैठे थे, हम मिल के गए, हम लखनऊ पहुँचे, हमको फोन आ गया कि चाचा तुम्हारे नहीं रहे, बताओ। अच्छा इधर देखो भैया, हाँ क्या नाम है आपका? हमारा सत्यम शुक्ला नाम है। क्या है आप जो? हमारे चाचा है, हम भतीजे इनके।